गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों, जो मैंने आपको हॉलिडे होमवर्क दिया है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। डेट 24 अप्रैल 2020, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 5th और डे फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश यूज ऑफ विल एंड सेल। इसमें क्या करना है, इसमें विल और शैल का यूज़ करते हुए ये जो सेंटेंस मैंने दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बनाना है। ये जो टेंस हैं बच्चों, ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं, आपको पता है। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बता दे रही हूँ, कहीं आप कन्फ्यूज्ड ना हो कि आई वी के साथ तो बच्चों शैल का यूज़ करते हैं और अदर सभी के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आई वी के साथ में शैल का यूज़ करते हैं और अदर सभी के साथ में विल का यूज़ करते हैं। अगर इसमें कल की आपको स्पेलिंग नहीं आ रही है तो फ्यूचर टेंस में कल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टुमारो का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, टुमारो का यूज़ करते हैं। आप यस्टरडे का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली फ्यूचर टेंस में टुमारो का यूज़ करते हैं। तो आपके ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन सेंटेंस की आपको इंग्लिश बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेम देम। तो इसमें क्या करना है, इसमें बच्चों आपको कितने प्रकार के क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आपको पता है 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 काइंड्स के जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको आपको लिखना है, और साथ ही साथ बच्चों आपको ये लर्न, सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपकी वर्ब्स हैं, इनकी तीनों जो रूप हैं वो लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से और कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम लीव फॉर 5 डेज ओनली बिकॉज योर मदर इज़ इल। इसमें क्या करना है कि इसमें आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है और उनसे यह रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको 5 दिन की छुट्टी दें क्योंकि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो इसको आप नेक्स्ट और न्यू पेज से ही लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने का मेथड बच्चों आपको पता है, मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से और किस स्टैंडर्ड से एप्लीकेशन लिखी जाती है, तो उसी तरीके से आप एप्लीकेशन लिखेंगे। कहाँ पे कॉमा लगाते हैं, कहाँ पे पैराग्राफ को हम चेंज करते हैं। तो ये था बच्चों आपका 1 दिन का हॉलिडे होमवर्क।